नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की नई ताकत के बारे में। चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि सोमवार को वायुसेना को सौंपा गया, चार चिनूक हेलीकॉप्टर सौंपे गए चंडीगढ़ में एक समारोह के आयोजन के साथ साथ। इस चिनूक के शामिल होने से किस प्रकार से ये भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर साबित होगा, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या इसका इतिहास रहा है, किन किन देशों में ये अभी तक अपनी सेवाएं दे चुका है, इन सबकी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहें। तो बात करते हैं चिनूक की। जो हेलीकॉप्टर है चिनूक कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो आपको ये प्रोफाइल आप देख रहे हैं, जो ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें डबल रोटर है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाए गए चिनूक CH-47I हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और ये पिछले सोमवार को शामिल किया गया है। भारत ने इसके बारे में जो डील की थी वो सितंबर 2015 में की थी और बोइंग के साथ 8048 करोड़ रुपए में 15 CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया गया था। और इनमें से जो चार हेलीकॉप्टर हैं वो इंडिया को प्रोवाइड किए गए हैं, 11 आगे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी जो डील हुई थी कब हुई थी, सितंबर 2015 में, और कुल 8048 करोड़ रुपए की ये डील थी। बात करते हैं इसकी कैपेबिलिटी पर, तो चिनूक हेलीकॉप्टर 11 टन तक का भार अपने साथ ले जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का दुनिया के कई भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में काफी क्षमता से संचालन होता रहा है, मतलब अलग अलग, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, अधिक ऊंचाई पर, 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये आसानी से उड़ने में सक्षम है। चूंकि भारत के कई सारे जो क्षेत्र है, कई सारी जो सीमाएं हैं वो बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां पर ये बहुत ही आसानी से सामान ले जा सकता है और अपनी उड़ानें बहुत आसानी से भर सकता है। तो ये भारत की जो वायुसेना है उसके लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। आगे बात करते हैं जो चिनूक हेलीकॉप्टर सौंपा गया उसकी अन्य खूबियों की। तो अन्य जो खूबियां थी उसमें शुरुआती अगर हम बात करते हैं तो 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन वाला है, इसमें कुल दो इंजन है। इसकी शुरुआत हुई 1957 में और इसको 1962 में जो सेना है, जो आर्मी है, उसमें शामिल किया गया था। इसे बोइंग रोटर क्राफ्ट सिस्टम ने बनाया है। किसके द्वारा चिनूक बनाया गया? बोइंग रोटर क्राफ्ट सिस्टम के द्वारा बनाया गया। बात करते हैं इसका जो नाम चिनूक पड़ा, कैसे पड़ा, तो मूल निवासी जो चिनूक है अमेरिकी, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया चिनूक। और इसकी अगर हम उड़ने की क्षमता की बात करते हैं तो यह हेलीकॉप्टर चिनूक करीब 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। आगे बात करते हैं अगर हम चिनूक की, तो चिनूक हेलीकॉप्टर में जो खासियत है, जो खूबियां हैं वो क्या क्या है, ये आप देखेंगे। चिनूक रात में भी उड़ान भरने में, और जो भी इसको टारगेट दिया जाएगा, जो भी ऑपरेशन इसके द्वारा किया जाएगा, उसको करने में सक्षम है। किसी भी मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में ये बहुत ही सुटेबल है। सभी प्रकार के परिवहन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चिनूक की अगर हम अन्य खासियत देखते हैं तो असैन्य कार्यों में बहुत ज्यादा ये मददगार साबित होगा। मान लीजिए बाढ़ आता है या फिर कहीं पर ओलावृष्टि, ज्यादा आग लग जाती है, किसी भी प्रकार की यदि आपदा है तो वहां पर भी असैन्य कार्यों में भी इसको ले जाया जा सकता है और ये मददगार साबित होगा। इसमें जो नॉर्मल विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी तरह ही एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम डिजिटल कॉकपिट सिस्टम और अन्य जितने भी कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनकी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को बोइंग ने तैयार किया। 11 टन पेलोड, मतलब जो सैन्य की जरूरतें हैं, जो सामान है उनको, और 45 सैनिकों का भार ये ले जाने में सक्षम है। बात करते हैं कि किन किन देशों के पास चिनूक है, कहां कहां चिनूक अपनी सेवाएं
प्रदान कर रहा है। तो फरवरी 2007 में पहली बार नीदरलैंड ने इस हेलीकॉप्टर को खरीदा, तो सबसे पहला जो विदेशी देश था जिसने चिनूक खरीदा वो था नीदरलैंड, जिसने 2007 में इसका करार किया खरीदा। उसने CH-47F के 17 हेलीकॉप्टर खरीदे थे, नीदरलैंड ने कुल 17 हेलीकॉप्टर की डील की। बाद में 2009 में कनाडा ने 15 जो अपग्रेडेड वर्जन थे हेलीकॉप्टर के उसको खरीदा। दिसंबर 2009 में ब्रिटेन ने भी इस हेलीकॉप्टर में अपनी रुचि दिखा करके 14+10 मतलब 24 हेलीकॉप्टर्स की डील की थी। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 7 और फिर 3, टोटल इसने 10 हेलीकॉप्टर्स को खरीदा। 2016 में सिंगापुर ने 15 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर कंपनी को दिया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि सिंगापुर की, तो उसके पास पहले से चिनूक था, लेकिन इसने इसको अपग्रेड किया, जिसको इसने CH-47D से बदल करके अपग्रेड किया था। 1994 से इसके पास जो चिनूक जो है वो हेलीकॉप्टर था। अब बात करते हैं कि अब तक कुल 26 देशों के पास ये चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है। कितने देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? 26। अब तक कंपनी ने करीब चिनूक के 15 अपडेटेड वर्जन प्रोवाइड किए हैं। 15 मुख्य वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो CH-HC-1B, CH-47A, ACH-47A, CH-47B, CH-47C-D, CH-47F, CH-47J, MH-47D, MH-47E, MH-47G और HH-47 शामिल है। बात करते हैं जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, ये भारत में कहाँ तैनात किया गया? सबसे पहले तो चिनूक की तैनाती चंडीगढ़ में हुई। वायुसेना को जल्द ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी आपूर्ति की जाएगी। इसके बारे में हम, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी खूबियां हैं, उनके बारे में हम आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे डिटेल जानकारी। चिनूक के साथ ही जो हमारा रक्षा मंत्रालय, उसने 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की मंजूरी प्रदान की थी। आपूर्ति इसकी सितंबर से शुरू हो जाएगी। चिनूक की तैनाती चंडीगढ़ में की गई है। अपाचे, चिनूक, राफेल, ये तीन भारतीय वायुसेना के स्तंभ होने वाले हैं और इन्हीं के जरिए भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण की एक नई दिशा सुनिश्चित होगी। चिनूक की तैनाती चंडीगढ़ में और अपाचे की जो तैनाती है वो पठानकोट में सुनिश्चित की गई है। सो दोस्तों, ये जानकारी थी भारतीय वायुसेना के नए ताकत, नए गेम चेंजर चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।